हरजीत कौर पूरी नर्सिंग कम्युनिटी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। बचपन में एक बार जब वह अपने रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल गई, तब उन्होंने वहां एक नर्स को मरीजों की सेवा करते देखा। तब उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी नर्स बनने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके माता पिता इन्हें नर्स नहीं टीचर बनाना चाहते थे। इस कारण इन्होंने 6 महीने तक गुरु नानक कॉलेज से टीचर की पढ़ाई भी की। नर्स बनने के बाद इन्होंने अपने पेशे की शुरुआत 1995 में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से की। इनके कार्य कुशलता की सभी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जब वह इंजेक्शन लगाती है तो मरीज को दर्द नहीं होता। इन्हें 12 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राष्ट्रपति ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय शक्ति सम्मान, जीवन रक्षा पुरस्कार, वर्ल्ड ऑफ पीस इंटरनेशनल अवार्ड, ग्लोबल अचीवर अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई सालों से यह समाज के सेवा के कार्यों में जुड़ी है और बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके जीवन की कई घटनाओं में से एक बार जब वह छुट्टी के दिन घर पर थी, तब इनके पास की बस्ती में आग लगने के बारे में पता लगा और इन्होंने अपने सारे काम को छोड़कर बस्ती के लोगों की प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर दी और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए लोगों की सेवा करती रही। ऐसी ही कई घटनाओं ने इन्हें एक विशेष नर्स की उपाधि के लायक बना दिया है। हरजीत कौर एक कुशल नर्स होने के साथ एक अच्छी खिलाड़ी भी रह चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि वह स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्टेट लेवल पर हॉकी टीम में भी खेल चुकी है। हरजीत भारतीय नर्स के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है और अपने काम के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक इंस्पिरेशनल नर्स बनाता है।